नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। सीतामढ़ी के रूनी सैदपुर मछुआ कमेटी मंत्री ने कहा कि रूनी सैदपुर क्षेत्र में 121 जलकर हैं, लेकिन जीवंत रूप में 18 से 19 ही जलकर हैं। सरकार से मांग है कि मछुआ कमेटी में जो ऋण मुहैया कराई जाती है, ये ऋण बैंक के द्वारा मछुआ विभाग को नहीं मिल पा रहा। सरकार इस पर विशेष ध्यान देकर मछुआ कमेटी के विकास के लिए जो फंड है, इसमें इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बताते चलें कि बैंकों की मनमानी चरम सीमा पर है और यहां हर एक बैंक का यही रवैया है, या तो उन्हें 10% चाहिए या फिर पेपर में कोई त्रुटि निकालते हैं और लोगों का शोषण करते हैं। अतः सरकार से अनुरोध है कि सभी बैंक अधिकारियों की जाँच की जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार और मैं लाइव टीवी समाचार की प्रेस रिपोर्टर। और आज हमारी टीम पहुंची है रून्नी सैदपुर और आइए यहां के मंत्री साहब से मुलाकात कराते हैं, जो मछुआ कमेटी के 15 सालों से रह चुके हैं। पहले तो हम इनका परिचय जानते हैं, आप अपना परिचय दें। नरेश सहनी, रून्नी सैदपुर, ग्राम गोरीगामा है, जिला सीतामढ़ी, थाना रून्नी सैदपुर। आप क्या यहाँ के मतलब किस पद पे आसीन हैं? हम मंत्री पद पर आसीन हैं। और अभी आप कैंडिडेट हैं? अभी तो इलेक्शन हो रहा है तो कैंडिडेट है, लेकिन मंत्री पद पर नहीं है, अभी पावर सीरीज है। अच्छा, अभी इनका पावर सीरीज है, अभी ये लड़ाई में है। पहले तो आप ये बताइए कि दिग्गज 15 वर्ष से, सुनने में आया है कि आप 15 वर्ष से यहाँ मछुआ कमेटी के मंत्री रह चुके हैं, तो 15 सालों में आखिर क्या कुछ आपने किए हैं अपने मछुआ कमेटी के लिए? यहाँ पर एक जब से हम हुए हैं तब से हमारा मलाह बहुत लड़ाई लड़ रहा था। एक इससे पहले जो सिगरेटी थे वो एक जलकर 3 जगह 4 जगह बेचते थे और मलाह में झगड़ा होता था, लड़ाई होता था। और जब से हम हुए हैं तब से कोई झगड़ा लड़ाई नहीं होने दिए हैं। और एक जलकर में जितने समाज के लोग हैं हर आदमी को हिस्सा बांट के देते हैं, हैं। उसके बाद है जो केस मुकदमा जो होता है वो हम होने नहीं देते हैं, समाज सेवा करते हैं, हैं। हमने किया है। अगर आप चुनाव जीत कर आएंगे तो सबसे प्रथम प्राथमिकता आपके लिए क्या रहेगी? और बढ़ावेंगे नंबर क्यों? और जलकर की संख्या? जलकर की संख्या है 121 जलकर का संख्या है, उसमें 18 से 19 जलकर जीवित है, टोटल भरा हुआ है। सरकार का कितना बार हम लिख करके दिए हैं हमारा जलकर उराही कर दिया जाए, लेकिन इस पर कोई सरकार सुन नहीं रहा है। मतलब आपके यहाँ 121 जलकर जो सरकारी रजिस्टर्ड है, लेकिन जीवित तौर पे 1819 है। 1819 और जो बाकी का जलकर है इसके लिए आप लिखी दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। मछुआ कमेटी के आप मंत्री पद पे 15 साल रहे, फिर भी मछुआ कमेटी इतने पिछड़े हुए क्यों है? पिछड़ी है जो उराही जो नहीं हो रहा है उसलिए पिछड़ा हुआ है। जलकर जो उराही हो जाए, जलकर बन जाए, तब ना उसमें मछुआरा जिएगा। अच्छा, मछुआ कमेटी का जो ये होता है ये इंश्योरेंस होता है, ये क्या प्रक्रिया है? इंश्योरेंस तो हम करवाइए रहे हैं। इंश्योरेंस मोटा मोटी जहाँ तक हुआ है 4000 के करीब में हुआ है इंश्योरेंस, हम करवा रहे हैं। बाद बाकी हम सोचते हैं जितने नंबर है टोटल, अगर मछुआ कमेटी में अगर मतदाता अगर आप जोड़ सकते हैं टोटल कितने होंगे यहाँ? टोटल यहाँ वोटर है मोटा मोटी 25,000 है। हाँ। जबकि आपके पास 25 का अगर आधा का आधा भी नहीं है, तो फिर ये क्यों पीछे रह गए? पीछे रह गया जो जाते हैं क्षेत्र में तो समाज एगो दूगो भेंट होता है, बाद बाकी भेंट होता नहीं सब है। ये निचले तबके के सब काम में रोजगार में रहते हैं। अगर आप इस पर चुनाव जीत कराएंगे तो मछुआ समाज के लिए क्या कुछ करेंगे? करेंगे जो हम सबसे पहले तो नंबर बढ़ावेंगे, उसके बाद इंश्योरेंस बनावेंगे और सरकार से मांग करेंगे जो हमारा जलकर जीवित हो, जो हमारा समाज उसमें एडजस्ट हो। और ये मछुआ कमेटी को जो लोन मिलता है सब्सिडी पे, इससे क्या है? सब्सिडी में लोन जो मिलता है सो
भर करके देते हैं, मैनेजर सुनता नहीं है। हाँ, कितना बेर लोन के अप्लाई किए हैं 400-500 नंबर के। कौन सा बैंक है? हर बैंक का, जिसका जो बैंक है ना उसी बैंक में खाता हम विभाग से पास करा के भेजते हैं, लेकिन बैंक वाला कहता है कि जो 5 साल के बंदोबस्ती दीजिए, 1.5 साल के बचा हुआ था हम दिए हर जगह। मतलब उसका कहना मतलब ये 5 साल का बंदोबस्ती, 5 साल का बंदोबस्ती, 1-1.5 साल का। हाँ, उसमें भी 25,000 से ज़्यादा नहीं देता है। अच्छा, गाड़ी पे भी लोन है आपके यहाँ? 90% सब्सिडी है। हाँ है, है तो गाड़ी पर जो लोन है तो यहाँ 17 गो ब्लॉक है जिला में, 17 गो ब्लॉक है, 15 से 18 गो गाड़ी आता है, 17 ब्लॉक में मारा मारी चलता है, एकुन को हिस्सा पड़ता है उसमें। इस बार आप अपने ब्लॉक में किनको गाड़ी दिलवाए? एगो गाड़ी दिलवाए हैं जो कैंडिडेट लड़ रहा है नरेश मुखिया, नरेश मुखिया, एगो थ्री व्हीलर, एगो गगन सहनी जो सभापति में लड़ रहा है उसको दिलवाए हैं, एगो नेवा सहनी को। का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।